क्या दिया है, एक्स आर वाई ऐसे दो रेजिस्टेंसेस है जो मीटर बीच के जो रेजिस्टेंस की गैप है, जब कनेक्ट करते हैं तो 0.60 सेंटीमीटर पर है। फिर क्या किया, नाउ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वाई। सो यहाँ पर एक्स के जगह एक्स ही है, अब यहाँ पर वाई के साथ 15 जोड़ दिया, तो ये नल पॉइंट है, इट शिफ्ट 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए, ये 10 सेंटीमीटर ए के तरफ चला गया। क्या सही है क्या? फिर आपको, अब आपको कहा है एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, और फिर आगे जाकर कहा अगर वाई के साथ 30 ओम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये और नई कंडीशन आ गई। तो नल पॉइंट कहाँ रहेगा ये बता दो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन अवेलेबल है। बिल्कुल पहली कंडीशन, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए विथ एक्स एंड वाई इन मीटर बीच। नल पॉइंट है मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन है, एक्स बाय वाई का रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए एन एंड एन सी दैट इज 60 सेंटीमीटर अपॉन 40 सेंटीमीटर। तो एक्स बाय रेशियो आ गया 2/3। फिर ये दूसरी कंडीशन आ गई, दूसरे में क्या सर थ्री किया, बाय टू ना थ्री बाय बैठो टू है बैठो सर। हाँ बैठो। फिर दूसरी कंडीशन आ गई, दूसरे कंडीशन में क्या किया, वाई के साथ 15 सीरीज में जोड़ दिया, एक्स जैसे के वैसा ही है, वाई के साथ 15 सीरीज में आ गया, तो इस गैप का रेजिस्टेंस वाई प्लस 15 हो गया। नाउ नल पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर टूवर्ड से, मतलब 50 सेंटीमीटर पर पहुंच गया, दिस इज 50/50, क्योंकि ये अगर 50 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग पार्ट भी 100 - 50 50 रहेगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई प्लस 15। क्या सही है क्या? यहां पर आप पुट कर सकते हो 2x = 3y, देयरफॉर या एक्स इक्वल टू 3/2y, सो ये रिलेशन बन जाएगा 3/2 times of y - y = 15, दैट इज y/2 = 15, y = 30। क्या सही है, 1/2y = 15, y = 30, तो x की वैल्यू आ गई 45। पहला पार्ट यही था, x एंड y निकाल लो। अब आगे के केस में कहा है अगर y के साथ 30 पैरेलल में लगा दिया, तो अब ये केस ऐसी हो जाएगी, क्या एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी 45, वाई की वैल्यू 30 और ये भी 30 है, तो नल पॉइंट कहाँ पर रहेगा? तो देखो अब आप कहोगे लेट द नल पॉइंट बी एट डिस्टेंस L1, देयरफॉर फटाक से लिखने वाले हो आप 45, दो इक्वल आर इन पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट हाफ होता है, तो
इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल. तो दिस इज 3 इक्वल टू या 3 इंटू 100 माइनस एल इक्वल टू एल दैट इज 300 इक्वल टू 4 एल. एल की वैल्यू आ गई 75 सेंटीमीटर. तो ये नल पॉइंट आ जाएगा एट 75 सेंटीमीटर. सही है. सही है क्या? यस सर. ओके बढ़िया. अगर ये क्लियर है तो अब आगे जाते हैं. हाँ देखो आप पोटेंशियोमीटर को जरा समझ लेते हैं. आपको दिया है इस प्रकार से अरेंजमेंट. पोटेंशियोमीटर वायर एस लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 8 सेंटीमीटर. सॉरी रेजिस्टेंस 8 ओम. रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज with the wire and an accumulator of 2 volts so as to get potential gradient of one millivolt per centimeter on wire. पहले तो question को पढ़ो बढ़िया से. So, देखो हमारा पोटेंशियोमीटर इस प्रकार से रहता है. ये वायर है ए बी बी वन या ऐसे नाम देते हैं डब्ल्यू एक्स वाई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. अब आप यहां पर क्या करते हो? आपको इस वायर की लेंथ दी है. कितनी लेंथ है? 4 सेंटीमीटर. जैसे हमने कहा है सर, क्या कहा है, ये वायर का रेजिस्टेंस जो रहेगा इट इज रो एल अपॉन ए. ठीक है. अब मटेरियल तो फिक्स है तो रेजिस्टिविटी फिक्स.
वायर यूनिफॉर्म है तो ए फिक्स, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। साथ ही साथ अब यहां से फ्लो होने वाला करंट फिक्स रहेगा, अगर करंट फिक्स है सो वी विच इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई कॉन्स्टेंट है, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। देखो एक बार पूरा सवाल समझ लो, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है 4 मीटर, ये ए से लेकर सी तक, जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम। आपको कहा ऐसा रेजिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ वायर एंड एक्यूमुलेटर, ये वायर पोटेंशियोमीटर की और ये एक्यूमुलेटर, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आर कैसे लगाना चाहिए, सो दैट टू गेट पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 mV/cm। लेंथ है 4 मीटर, रेजिस्टेंस है 8 ओम, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 1 mV/cm, सो 4 मीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, तो आपने लिखा VAC इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ वायर, ये आ गया 0.4 वोल्ट। सो ये बैटरी का 0.4 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, बचा हुआ 1.6 वोल्ट ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस होना चाहिए। इन अदर वर्ड ए टू सी करंट भेजने के लिए 0.4 वोल्ट इतना पोटेंशियल लगता है, तो बचा हुआ पोटेंशियल 1.6 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट भेजने के लिए लगना चाहिए, ठीक है। फिर आगे गए, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट निकाल लिया, वही करंट सीरीज में होने से यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब देखो, अब और एक सवाल करके थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर को और समझ लेते हैं। अब देखो थोड़ा मैं पोटेंशियोमीटर को आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब आपको फील आ जाएगा। ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसे कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, गैल्वेनोमीटर, और अब आप नल पॉइंट ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये 15 वोल्ट है। और एक डायग्राम बाजू में निकलता हूं, आपको दिया इस वायर की लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक है। अब दूसरी वायर बाजू में निकालता हूं, वो भी समझ लेते हैं। ये है 20 वोल्ट, इस वायर का रेजिस्टेंस आपको दिया है 10 मीटर लेंथ है और रेजिस्टेंस है 10 ओम,
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कुछ तो 2 ओम। ठीक है, अब देखो एक्चुअली हमारा कहना क्या है, देखो ये सेल का ईएमएफ और नल पॉइंट कहाँ रहेगा इसके लिए हम यूज करते हैं, वैसे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये तो हम हमारे पोटेंशियोमीटर में लगा रहे हैं सो दैट वैल्यू हमें उसकी फाइंड हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके। पोटेंशियोमीटर का क्या कहना है, पोटेंशियोमीटर का कहना है देखो भैया ये रेजिस्टेंस मैंने 4 ओम का लगाया, इस वायर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस वायर में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, कितना हुआ टोटल, कितना रहेगा टोटल रेजिस्टेंस 6 और 4 सर 10 ओम का। अगर ऐसा है तो यहां से करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल टू वी बाय आर 20/10, तो यहां से फ्लो होने वाला करंट हो गया 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट है तो I इंटू आर 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस होने वाला है, I इंटू आर 12 वोल्ट इतना पोटेंशियल ड्रॉप ओवर द वायर होने वाला है। इसका मतलब ऐसा है अगर इसको मैंने 20 वोल्ट माना, इसको 0 माना, तो देखो दिस ऑल आर कनेक्टेड टू 0 वोल्ट। ठीक है, अब इसके अक्रॉस 8 का ड्रॉप हो गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना रहेगा, 8 का ड्रॉप हो गया, 20 से 8 कम होकर ये 12 रहेगा, इसका पोटेंशियल 12 रहेगा, और अब ये पूरे 10 मीटर पर 12 वोल्ट यूनिफॉर्मली ड्रॉप होगा। सो यहां पर आप कहोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी ट्वेल्व बाय 10 विच इज 1.2 मीटर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, अब ये नल पॉइंट मिलेगा क्या, अब ये नल पॉइंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो इसका भी पोटेंशियल 0 रहेगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 15 है तो ये भी 15 रहेगा, पर इस वायर पर तो पूरा पोटेंशियल 0 से 12 ही है, सो यहां पर कहीं भी 15 नहीं रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल 1 रह सकता है, 6 रह सकता है, 12 रह सकता है, 8 रहेगा कहीं तो 10 रहेगा, कहीं तो 9 रहेगा, बट 15 इज नॉट पॉसिबल, 15 पॉसिबल नहीं है, तो दिस विल ऑलवेज बी एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस वायर। और अगर ऐसा होगा तो ये गैल्वेनोमीटर जिंदगी में कभी भी नल पॉइंट नहीं देने वाला है। आया क्या ध्यान में, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है, आप क्या करते हो ये तीनों के टर्मिनल एक ही साथ है, और फिर क्या कहते हो यहां पर ये अगर 0 है तो यहाँ से कंटिन्यूअसली पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, आप उस पॉइंट को ढूंढते हो जिस पॉइंट का पोटेंशियल इसके इतना रहेगा। हाँ, यही अगर आपने कहा कि सर ये 10 वोल्ट है अगर ये 10 वोल्ट है तो ये भी 10 हो गया, और अब जाकर आपको इस वायर पर इस 9 के बाजू में 10 मिलने वाला है, और आप कहोगे कि देखो भैया जब हमने इस पॉइंट को यहां पर टच कर दिया ना, अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट ही नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है,
क्योंकि इसका भी पोटेंशियल 10, इसका भी पोटेंशियल 10, पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। हाँ सर, अब ध्यान में आ गया। अब जाकर आप इसकी लेंथ मेजर करोगे और फिर कहोगे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1.2 ओम पर मीटर। तो अब इस लेंथ, इसकी लेंथ आपने मेजर कर ली है, ये लेंथ आ रही है टोटल अगर 10 मीटर है तो इसमें से ये कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आप मेजर करोगे इट कम्स आउट टू बी 12 ना। लगभग 8.25 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। आया के ध्यान में किस प्रकार से पोटेंशियोमीटर काम करता है? अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, स्लोप कितना है पोटेंशियल कम होने का। वैसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इसका ना मैं रेजिस्टेंस चेंज कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। ये पॉजिटिव है, ये जीरो है, इसको जीरो माना तो ये 20 रहेगा, ये अगर जीरो है तो इसका भी पोटेंशियल 20 जीरो रहेगा, ये जीरो है तो इसका भी जीरो रहेगा। अब ये निगेटिव है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 3 वोल्ट का है तो ये इससे कम रहेगा, मतलब ये -3 रहेगा। अब देखो ये 0 है, ये 20 है, कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर रहेगा, उसके बाद ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगी 0 से ज्यादा, क्या सही है? ये वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगी? हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर कैलकुलेशन के लिए अपन इसको 8 मानते हैं तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम, ठीक है, करंट आ गया 20/10 इज 2 एम्पियर, इसकी लेंथ अगर 8 मीटर है सो 2 into 2 4 वोल्ट यहां पर हो जाएगा, बचा हुआ 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होने वाला है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल 16 रहेगा। 20 4 का ड्रॉप होकर ये 16 पर आ गया, ये 16 तो ये भी 16, ये 16 और ये 0। अब मुझे बताओ यहाँ पर कहीं -3 आएगा क्या 0 से 16 के बीच में? सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो आपने इसको निगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, अब ये जीरो के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये जीरो है, ये 3 हो गया। सर जीरो और 16 के बीच में 3 जरूर आएगा और फिर आपको जाकर नल पॉइंट मिलेगा, क्या आया क्या ध्यान में? यस। तो इस प्रकार से पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर ये पोटेंशियोमीटर काम करता है, और नल पॉइंट ये वो कंडीशन है जहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। सो दिस इज मेजर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, कि यहाँ पर करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो होता है, या इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और इसलिए आपको एग्जैक्ट ईएमएफ मिलेगा, एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। वोल्टमीटर जब आप पढ़ोगे तब आपको ध्यान में आएगा वोल्टमीटर के थ्रू एकदम थोड़ा सा क्यों ना हो करंट फ्लो होता है, और अगर करंट फ्लो हो गया तो हमारा एग्जिस्टिंग सर्किट बदल जाएगा और इसके कारण जो वैल्यू है वो वैल्यू डिफरेंट आएगी, ठीक है। चलो देखो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब आपको थोड़ा फील आ जाएगा।
अच्छा पोटेंशियोमीटर हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल. द मेन बैटरी यूज has EMF of 2 volt. The potentiometer wire is 4 meter and resistance connected is infinity in first case and 9.5 ohm is second case. The balancing lengths are 3 meter and 2.85 meter. Find internal resistance of cell. देखो कैसे अरेंजमेंट है. पोटेंशियोमीटर सेटअप टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल, मतलब इस प्रकार से अरेंजमेंट की थी. ये इस प्रकार से हमने की रेजिस्टेंस बॉक्स, ये हमारा सेल और इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी के साथ जोड़ दिया. ठीक है, दिस इज 2 वोल्ट, वायर है 4 मीटर की. ठीक है, द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इज इंफिनिटी. पहले इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा. इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल व्हेन there is no current in cell, तो जो मिलेगा that is EMF. पर हाँ सर ये बिल्कुल सही है. ठीक है, so EMF के लिए balancing length मिली है 3 meter. और आपको पता है potential drop per unit length यहाँ पर है 4 upon potential difference है 2 और length है 4 meter. So this is your potential drop per unit length, volt per meter. ठीक है, फिर क्या किया? फिर आपने यहाँ पर इस स्विच को ऑन कर दिया और यहाँ का रेजिस्टेंस कर दिया 9.5 और उस केस में आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है 2.85. क्या सही है? ये वोल्टेज है, ये ध्यान में आया क्या बोलू? अब हमने इसके रिलेशन निकाले थे. मैं देखो इसका डेरिवेशन आपको जरा याद करवा देता हूं. ईएमएफ ये एक्चुअली होता है करंट इनटू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. वोल्टेज होता है आई इनटू आर. ठीक है, देयरफॉर ई बाय वी इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस छोटा आर अपॉन आई इंटू आर. ये चला गया, दिस इज ई बाय वी इक्वल टू 1 प्लस छोटा आर अपॉन कैपिटल आर
अब देखो इसके प्रोपोर्शनल आपको लेंथ पता है L1 एंड L2, तो so, यहां से आपको होगी छोटा r अपॉन कैपिटल r इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस वन, और r आ जाएगा कैपिटल r इनटू L1 अपॉन L2 माइनस वन। क्या सही है क्या? देखो ये फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r L1 अपॉन L2 माइनस वन। देखो L1 कौन से केस में लेंथ है? L1 इज लेंथ फॉर बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF। L2 किसके लिए है? बैलेंसिंग लेंथ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R क्या है? कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो आपने कनेक्ट किया है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 9.5 ओम। ईएमएफ के लिए जो लेंथ है इट इज 3 मीटर, L2 है 2.85 माइनस वन। क्या सही है क्या? देखो अब ये कैलकुलेशन आपको आते हैं, बड़े आसान है। देयरफॉर आर की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 9.5 इनटू, देखो माइनस वन मतलब 2.85 अपॉन 2.85, सो आ गया है 0.15 अपॉन 2.85, सो ये आ जाएगा 9.5 इंटू 15, वन जा 15, 135 मतलब ये 19 आ गए, 1/19, एंड 95 आता है मतलब ये 0.5 है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.5 ओम। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। देखो इस रिलेशन को याद रखना, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज पुट करना। लगे तो मैं एक टर्म का मीनिंग बता देता हूँ, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंस, L1 and L2 balancing length for potential difference, balancing length for EMF, ठीक है?